हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका फ्रैंकलिन के ब्लॉग्स में। जी हाँ भाई लोग, फाइनली फ्रैंकलिन के ब्लॉग जो है वो आ चुके हैं और आज हम लेने जा रहे हैं अपनी BMW X7 की डिलीवरी। तो मैं फटाफट से पहले तैयार हो लूँ भाई लोग, और उसके बाद थोड़ा बताता हूँ एक दो चीजें। जैकेट पहन लेते हैं रेड कलर की, या छोड़ो यार आउटफिट ही पहन लेते हैं कोई अच्छी सी, है ना, फालतू में क्यों वो करना, ये सही लग रही है। चलो जी, और अपने साथ भाई लोग ये देखो माइकल भी जा रहा है, तो इसको मैंने बुला लिया था क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई गाड़ी थी नहीं। मैंने कहा तू ही आ जा भाई, तू ले चलियो साथ में। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप सोच रहे होंगे AJ गेमिंग वाली वीडियो यहाँ पे क्यों आ रही है, और ये वाली गाड़ी लेकर आया माइकल, क्या खतरनाक लग रही है ना। फिलहाल हमें जाना है भाई प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है जो हमें डिलीवरी लेनी है। तो आपको पता है ये वाले एपिसोड में डाला करता AJ गेमिंग चैनल पे, बट भाई अब इस चैनल पे ये एपिसोड आए करेंगे हफ्ते के एक। अब ये खाली गेमिंग का एपिसोड नहीं है भाई, शुरू के जो 10 मिनट है ना, इसमें मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अभी ये ब्लॉग्स चल रहे हैं, डिलीवरी लेंगे, बहुत सारे अलग अलग टास्क करेंगे GTA 5 में, और बाकी के जो 5 मिनट होंगे ना, यानी कि 15 मिनट की वीडियो होगी, तो 5 मिनट में मैं आपको ना ट्यूटोरियल दूंगा कि इस पूरे एपिसोड में मैंने कौन कौन से मोड यूज करे और उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं। जिसका मतलब ये है कि भाई खाली गेम प्ले नहीं देखने को मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट भी मिल रहा है। तो इसी बात पे भाई लोग सब्सक्राइब मार दो चैनल को, 1 मिलियन हमें बहुत जल्दी करने हैं। और अब आपकी रिक्वेस्ट है भैया, हफ्ते की एक वीडियो GTA 5 की आए करेगी इसमें ना। यार देखो सीन क्या था, इंडियन बैकपैकर को तो आप जानते ही होंगे, मेरी बहुत किलस्ती है उससे और उसकी मेरे से। तो उसने अपने ब्लॉग में बताया हुआ कि उन्होंने अपनी बुक कर रखी है BMW की X740i। तो मैंने सोचा भाई वो ले रहा है गाड़ी, मैं कैसे पीछे रहूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं भले ही लॉस सैंटोस में रहता हूं पर मेरे को तो जल्दी मिल सकती है इंडिया में, उसको 4 महीने बाद मिलेगी गाड़ी। और इंडिया में तो भाई 50D वाला वेरिएंट भी नहीं है, मेरे यहाँ पे 50D भी मिल जाता है, तो मैं तो भैया 50D लूंगा और उसको चलाऊंगा। अब क्योंकि नया में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने सोचा प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट में फ़ोन करते हैं, और उन्होंने बताया सर यहाँ गाड़ी मिल जाएगी आपको, 50D खड़ी हुई है, वाइट कलर में, ब्रांड न्यू कंडीशन है, 2021 दिसंबर का वेरियंट है। मैंने कहा और की चाहिए, फटाफट से बस रोक के रखो, आ रहा हूँ अभी, अगर पसंद आई तो हाथ पैसे दे के भाई डिलीवरी लेके निकल लेंगे वहाँ से। तो बहुत किलसने वाली है इंडियन बैकपैकर की, देख लेना उसकी, तो पता नहीं कब जून या जुलाई में देंगे BMW वाले, और हम अभी मई में लेके फिर ब्लॉग बनाएंगे X7 के ऊपर, उसकी फटके चार हो जानी है। और ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है माइकल की, अभी उसने 2-3 हफ्ते पहले ही खरीदी है, और ऑलमोस्ट हम बस प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट पहुंच गए। ये रहा फ्रंट में गाड़ी को लगाते हैं, अरे खड़ी तो है नहीं X7 या कोई भी, वो तो कह रहे सर खड़ी हुई है, आ जाओ आप, लेट्स सी भाई लोग, बात करते हैं अंदर मैनेजर से चल के। उतरो जी उतरो, वेट नहीं हो रहा X7 देखने का भाई साहब। बात हो गई मैनेजर से, वो कह रहे हैं बैक साइड में खड़ी है गाड़ियां, ये देखो भाई, ओहो हो अभी इनके पास 3 है, मुझे लगा एक ही खड़ी है भाई, ओ तेरी 3 3 BMW, ये देखो भाई गजब यार गजब। व्हाइट कलर में खड़ी हुई है यहाँ पर, ये ग्रेइश कलर है और ये ब्लैक है शायद से। पार्किंग बड़ी बेकार लगा रखी है, और तीनों ही भाई 50D लग रही है मुझे तो, ये खतरनाक पावर है भाई इस गाड़ी में। इंडियन बैकपैकर ने तो 40i करवाई है पेट्रोल में, उसके सामने तो ये बहुत तगड़ी गाड़ी है। तो मेरे को तो यार व्हाइट कलर ही अच्छा लग रहा है ना, मेरे ख्याल से व्हाइट ही बेस्ट रहेगा, बड़ी बड़ी दिख रही है, ये भी अच्छा लग रहा है ब्लैक वैसे, बट व्हाइट ज़्यादा अच्छा, अरे सॉरी माइकल सॉरी। तो देखते हैं भाई इसी को टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलते हैं। ओहो अंदर से देख रहे हो भाई, ओ माय गॉड भाई क्या खतरनाक लग रही है, ऊपर से रूफ वगैरह देखो। तो लेकर चलते हैं यहाँ से थोड़ा बाहर पहले, और अगर ये पसंद आ गई तो भाई हाथ तो हाथ फिर पैसे वैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ इसको, और डिलीवरी ले चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल भाई ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी है यार गाड़ी, देखो 50D लिखा है ना पीछे, अरे भाई नई गाड़ी मत रोकियो, क्या चला रही है, मैं ही गलत जा रहा हूँ क्या, वन वे है क्या यहाँ, तो भाई मैं ही गलत आगे लग रहा, अरे अरे ब्रेक लगाओ भाई क्या कर रहे हो, गलती होगी भाई, रॉन्ग वे आ गया मैं, थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा, अब नई गाड़ी मैं नहीं चाहता ठोक दूँ मैं, वहाँ पे लगाते हैं आपके लिए एक मिनट को, और अब दिखाता हूँ आपको अच्छे से गाड़ी। यार क्या गाड़ी लग रही है भाई देखो ना, ओहो अरे 22 इंच के है 50D में, पीछे X7 की बैजिंग दे रखी है। चलो रिव्यू तो आपके लिए लेकर आएंगे एक प्रॉपर, अभी तो फिलहाल फाइनल करते हैं गाड़ी का क्या सीन है क्या नहीं, अंदर से भी देख लो एक बार कैसी है दिखने में। ओहो प्रीमियम इंटीरियर है भाई, क्या गजब लग रही है, माइकल को भी बहुत पसंद आ गई है भाई गाड़ी। यहाँ भी आप देख सकते हो X7 M50D, मतलब M स्पोर्ट वाला वेरिएंट है ये 50D का, तो वो भी लिखा हुआ है। अब एक बार इसको थोड़ा सा भगा के देख लेते हैं फिर फाइनल कर देंगे, क्योंकि पता चल जाता है टेस्ट ड्राइव में। वैसे तो यार ब्रांड न्यू गाड़ी है, मतलब हुए कितने हैं, 1 साल हुआ है लगभग, 1 साल में तो गाड़ी का क्या ही बिगड़ जाएगा। ओ भाई हेड्सअप डिस्प्ले है इसमें, वो देखो डिस्प्ले में आ रहा है कितना स्पीड में मैं चला रहा हूँ, क्या बात है भाई गजब गाड़ी है, और चलाने में इतनी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब आराम से कंट्रोल हो रही है, ब्रेकिंग इतनी तगड़ी लग रही है। अब मैं आपको इसमें चला के दिखाता हूँ,
इतनी कंट्रोल हो रही है ना तगड़ी, और 120-130 तो यूं ही पहुंच जा रही है भाई, जबकि ये फुल साइज एसयूवी है, इतनी बड़ी में फिर भी पावरफुल है बहुत। मतलब कहीं भी फील नहीं हो रहा मुझे कि यार पावर की कमी है या ऐसा कुछ, मस्त है भाई, बिल्कुल मस्त है तगड़े लेवल की। तो गाड़ी तो ठीक लग रही है मुझे अंदर बाहर से, और अंडर वारंटी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी पुराने ओनर ने, सोचो इसका, बस मैं सोच रहा हूँ नंबर चेंज करवा लूँगा। वैसे ठीक ही है, इतना कुछ बुरा भी नहीं लग रहा। अब जाके बात करते हैं भाई क्या खर्चा वर्चा है, कितने पैसे लेंगे। और माइकल वाली गाड़ी हमने ना टो करवा के भिजवा दी है उसके घर पे, यहाँ पे लगा देते हैं अभी गाड़ी को, और पेपर वर्क वगैरह करता हूँ, देखते हैं भाई डील क्या बनती है बेस्ट। क्योंकि ये वैसे तो इंडिया में अगर आप बात करो ना, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 90 लाख की गाड़ी है ये, सोचो भाई 2 खोखे की गाड़ी। तो अंदर जाते हैं, मैनेजर से बात करते क्या सीन है, ये कौन खड़े हुए भाई, शोरूम तो इनका अंदर से खाली पड़ा ये देखो पूरा। 1 आवर लेटर। तो भाई लोग फाइनली आप सबके लिए गुड न्यूज है, 1 घंटे बातचीत करने के बाद नेगोशिएशन करी प्राइस को लेकर, हमने ये गाड़ी फाइनली खरीद ली है। और मुझे पता है ये वीडियो देख के इंडियन बैकपैकर की क्लसरी होगी बहुत तगड़े वाली। इस गाड़ी की डील हमें फाइनल पड़ी है भाई 1 करोड़ 55 लाख की, ऑलमोस्ट भाई 40 लाख रुपए बचा लिए नई गाड़ी में। मतलब आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली US डॉलर में तो डिफरेंट है काफी। तो अब फाइनली पेपर वर्क करके साइन वाइन कर दिया, अब इसको गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने गैराज में खड़ी करेंगे, और इस पे भी आपको तगड़ा तगड़ा ऑफ रोडिंग में कॉन्टेंट दिखाएंगे हम। माउंट चिलियार्ड का प्लान बना रहा हूँ मैं जल्दी जाने का, तो माइकल अपने साथ ही चल रहा है, इसको छोड़ के आना पड़ेगा मुझे बेशरम को। चलो छोड़ो मैं मेरे अपने घर ही ले जाता हूँ, वहाँ से टैक्सी पकड़ के ले आ जाएगा भाई, हम क्यों छोड़े हैं, इतनी गाड़ियाँ ले रखी है इसने, कुछ तो वो मैं ही छोड़ के आऊँगा, पता है कितना डीजल महंगा हो रहा है। अब हाईवे पर चढ़ेंगे ना एक बार, इसकी फुल स्पीड का टेस्ट भी हो जाएगा तो पता चल जाएगा। यार बहुत स्मूथ है यार गाड़ी, आराम से मतलब 100-120 पहुँच जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे भाई हट जाओ, BMW X7 है ये, फालतू गिरी मत करो मेरे सामने, हट जाओ, है चल 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 चल, रास्ता खाली कर। क्या सही है भाई, ओए होए होए, अंदर से दिखाता हूँ ये देखो, भागने में तो बस पंजा दबा रहा हूँ भाई गोली की तरह। और अब मैं सोच रहा हूँ इसको ना स्टेज 1 रीमैप या फिर स्टेज 2 करवा लूँ, तो ट्यून होने के बाद तो भाई इसकी पावर और बढ़ जाएगी। अभी इतनी तगड़ी पावर है मैं पूरा आपको बताता हूँ, वैसे तो रिव्यू वीडियो में बात करनी चाहिए हमें इसके बारे में, बट कोई नहीं, चलो थोड़ा नई गाड़ी है ना, पूजा वूजा करवाने से पहले आप घर जाके इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इंजन की, इतनी तगड़ी है ना भाई, बहुत ही खतरनाक BHP और टॉर्क मिलती है इस गाड़ी में आपको, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ फेल है इसके सामने, बहुत तगड़ा भाई बहुत तगड़ा। चलो ऑटो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बस ये लेफ्ट लेते ही, अरे 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 बाइक वाले नई गाड़ी नहीं छोड़नी भाई। चलो ऑफ रोडिंग आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी करके, ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी नई गाड़ी है ये देखो। ओ देख रहे हो भाई कहाँ कहाँ चढ़ गई, नॉर्मल गाड़ी चढ़ना मुश्किल है यहाँ पे, ये देखो अभी तक ऊपर जा रही है, बट मैं अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा भाई, क्योंकि गाड़ी पे PPF भी नहीं हो रखी, एक बार PPF वगैरह कंप्लीट हो जाए ना फिर टेंशन खत्म हो जाएगी थोड़ी सी, तो दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद टर्न देखना कितना मस्त है, मतलब स्टेबिलिटी की गाड़ी की ना तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी है, आप स्टेयरिंग मोड़ो रिस्पॉन्स इतना तगड़ा देती है, एक कट में मुड़ जाती है पूरी गाड़ी। ये आ गए भाई वापस हम, और मेरी गाड़ी भी आ गई भाई सर्विस से, वेरी गुड, चलो शुक्र है गाड़ी दे गया। अभी यहाँ लगाना नहीं है, बाहर ही लगाना है आपको, ताकि मैं प्रॉपर बता पाऊँ गाड़ी के बारे में। अभी देखो मैंने डिक्की और आगे का बोनेट दोनों खोल दिया है, बूट स्पेस देख लो आप, क्या तगड़ी बूट स्पेस है यार। और अभी लास्ट वाली जो रो है ना सीट्स की, वो फोल्ड करी हुई है, इसलिए अंदर से 5 सीटर है, वैसे ये 7 सीटर है आपको पता ही होगा। और इंजन देखो भाई, ओए होए होए खतरनाक, इसमें आपको 394 BHP ऑलमोस्ट मतलब 400 BHP एंड भाई 740 Nm का टॉर्क मिलता है, क्रेजी मशीन है भाई, मतलब भागती क्या है, ऑफ रोडिंग कर लो कुछ कर लो, कोई गाड़ी को हरा ही नहीं, मतलब कोई इसको नहीं हरा। बाकी 3000 cc का इंजन है तो पावरफुल तो ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा। आज तो कहीं जाने का मन नहीं है, बस पूजा करवाएंगे और रख देंगे गाड़ी अपनी, तो मैं अंदर ही खड़ी कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अपने दुश्मन बहुत है इंडियन बैकपैकर जैसे, पता चले आके मेरे स्क्रैच व्रैच मार दे। आ जा भाई माइकल कहाँ जा रहा है, गैराज में खड़ी कर देते अच्छे से और नीचे चल के आराम करते हैं। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था भाई लोग, मतलब गेम प्ले के लिए इतना था। अब जैसे मैंने की वादा किया था आपको बताऊंगा मोड्स का भी ट्यूटोरियल 5 मिनट का, तो मैं X7 का मोड कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपके लिए जल्दी से बताता हूँ। तो यार देखो सबसे पहले आपको ना मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी है, यानी कि GTA सीरीज का एपिसोड 1, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया बेसिक मोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही आप ये सब चीजें कर पाओगे, तो वो वीडियो देख लेना। यहाँ कहीं पे मैं लिंक डाल दूंगा या स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सब कुछ दूंगा। उसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट पे जाना है GTA 5 मोड्स, और यहाँ पर लिखना है BMW X7। यहाँ पर देखो एंटर करते ही आपके पास बहुत सारी BMW आ गई है, तो इस वाले में से डालना है BMW X7 2021 add-on।
इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, देखो गाड़ी और बाइक ऐड करने के दो मेथड होते हैं, एड ऑन एंड रिप्लेस करना। तो हम हमेशा एड ऑन ही प्रेफर करते हैं, रिप्लेस मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। एड ऑन में क्या, नॉर्मली डाउनलोड करो, फिर से डाउनलोड पे क्लिक करो, ये आपकी फाइल आ गई है यहाँ पर। इस तरह की ना आपको जिप फाइल मिलेगी, तो इसको आपने पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना यहाँ पर इसी फोल्डर में। तो ये देखो ये फाइल आ गई ना। अब एक तरफ खोल लेते हैं भाई ये वाला फोल्डर। तो आपको इस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेना है और फिर जाना है GTA 5 की डायरेक्टरी में मोड फोल्डर में, अपडेट, उसके बाद X64, फिर DLC पैक्स, और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी ये देखो कर रखा है। सेकंड स्टेप में आपको ओपन IV खोलना है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप पिछली वाला एपिसोड देख लोगे ना तो ये सब चीजें समझ आ जाएगी, कहाँ से इंस्टॉल किया है और क्या क्या चीजें हैं। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। सबसे पहले आपको एडिट मोड पर क्लिक करके येस पर क्लिक करना है। फिर ये जो डाउनलोड करी थी ना, इसमें आपको ना सॉरी ये वाली रीडमी फाइल जो इंग्लिश वाली, इसको खोलना है। और यहाँ पर ना आपको एक लाइन मिलेगी, ये देखो फॉर स्टॉक के आगे ये, तो ये आइटम वाली लाइन को आपको करना है कॉपी। फिर यहाँ से बंद कर दो। फिर ओपन IV में जाना है आपको मोड्स फोल्डर में, अपडेट पर, update.rpf, कॉमन डेटा। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर आपको एक मिलेगी dlclist.xml, इस पर राइट क्लिक करके करना है एडिट पर क्लिक, ये आपका खुल जाएगा। अब इस पे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये जो लाइन है ना, इसके बाद एंटर मार के ये वाली लाइन को मार दो पेस्ट। जैसे ये देखो, तो मैंने ये ऑलरेडी मार रखी है पेस्ट पहले से, तो मैं अभी तो फिलहाल डिलीट कर दूं। उसके बाद सेव पर क्लिक करके ये सब कुछ क्रॉस कर दो। फिर आपको अपनी गेम को ओपन करना है। गेम ओपन करने के बाद आपको दबाना है F8। ये दबाने के बाद आपको मेन्यू ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका व्हीकल स्पॉनर। उसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा इनपुट मॉडल। इनपुट मॉडल पर क्लिक करके आपको लिखना है BMW G07, और उसके बाद जो है एंटर मार देना, ये गाड़ी आ गई है। अब ये गाड़ी का कलर कोई भी स्पॉन हो सकता है। इसका कलर चेंज करने के लिए वापस से वही सेम F8 दबाओ। उसके बाद आपको व्हीकल ऑप्शंस पे जाना है, मेन्यू कस्टम्स पे। नीचे आपको मिल जाएगा पेंट्स का ऑप्शन, पेंट के ऑप्शन पे जाके प्राइमरी कलर पे चूज करो, फिर मेटेलिक पे जाओ। ये सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको कलर्स की, जो भी कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे फ्रोस्ट व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, ब्राइट पर्पल, मिडनाइट पर्पल, तो बहुत सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करके गाड़ी के मजे ले सकते हो। तो ये थी भाई एक गेम प्लान ट्यूटोरियल की वीडियो। इसी तरह से और एपिसोड आएंगे हर हफ्ते एक। क्या आपकी राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।